रहे हैं सीएमएन न्यूज़, मैं हूं आपके साथ कनिका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीबीचक निवासी विवेक उर्फ भोला यादव, उम्र 7 वर्ष, पुत्र जयप्रकाश यादव 13 तारीख की शाम पड़ोस में बारात देखने गया था, वापस नहीं आया, जिसकी सूचना परिजनों द्वारा 14 तारीख को प्रातः थाने पर दी गई। इस बीच अपहृत के पिता के टेलीफोन पर 10 लाख रुपए की मांग की गई, जिसके संबंध में धारा 364A भांड संघ का अभियोग अज्ञात आरोपी के विरुद्ध पंजीकृत है। पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्र के निर्देशन एवं क्षेत्र अधिकारी नगर श्री श्रीयश त्रिपाठी के निकट पर्यवेक्षण में 14 तारीख को एसओजी सर्वलांस एवं थाना रामपुर कारखाना पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर पटन वापुल के पास से नागेंद्र प्रजापति पुत्र राम सेवक निवासी भमनोली थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को गिरफ्तार करते हुए अपहृत बच्चे विवेक उर्फ भोला यादव उपरोक्त को बरामद करते हुए नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। परसों रात में थाना रामपुर क्षेत्रांतर्गत बीबीचक गांव का एक बच्चा अपने परिवार के साथ, बगल में ही शादी आई थी उसमें था, माता पिता उसके घर आ गए और बच्चा वापस नहीं आया और माता पिता सो गए। सवेरे इनको टेलीफोन आया कि तुम्हारे बच्चे का हम लोगों ने अपहरण कर लिया है। इस पर इन्होंने उस बच्चे की खोजबीन शुरू किया और इसी बीच में 8 बजे के आसपास फिर टेलीफोन आया कि 10 लाख रुपए का इंतजाम करिए। इस पर इन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस में सादी वर्दी में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में फोर्स 4-5 टीमें लगा करके एसओजी, संबंधित थाना प्रभारी और भी जो हमारे और अगल बगल के थाने थे उनको लगा करके इसकी वैज्ञानिक तरीके से ट्रेसिंग कराई गई और उसमें पुलिस को सफलता मिली और लगभग 12 घंटे के अंदर ही लड़के को सकुशल गन्ने के खेत से बरामद कराया गया। उसके मुंह में इन अपराधियों ने टेप लगा दिया था और उसके हाथ में रस्सी लगाई थी, जिसकी वजह से हाथ में सूजन भी है। इसमें जो आश्चर्यजनक बात निकल करके आई है कि अपहृत 7 साल का है और इसी का सगा चचेरा भाई है जिसने यह पूरी घटना को अंजाम दिया है अपने दूसरे गांव के 2 अन्य अपराधी साथियों के साथ मिलकर। इस संबंध में ये जो तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं इनके खिलाफ हम लोग गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई और अगर NSA के तहत भी देख रहे हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स भी उसमें हैं, उसके तहत भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर इसमें इनाम भी कुछ मिला है टीम को 12 घंटे के बाद? DIG रेंज महोदय ने इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद करा दिया उसके लिए रेंज DIG महोदय ने 15,000 रुपये के नगद पुरस्कार की घोषणा की है तथा क्षेत्राधिकारी नगर को प्रशस्ति पत्र और पूरी टीम को अलग से प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा किया। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।